दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक बीतते दिन के साथ ये और ज्यादा छोटा होता जा रहा है। और क्या आपको पता है, जुपिटर यानी बृहस्पति आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रह दो बार समा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बातें पहले से पता नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही हमारा ग्रह है और हम बस इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौर मंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहां का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है। आज हम आपको सौर मंडल के सभी ग्रहों की एक ऐसी सैर कराने वाले हैं जिसके बाद आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको एक एक ग्रह के रियल तस्वीरें और फुटेज भी दिखाएंगे ताकि आप इनका असली रूप देख सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनके नाम मरकरी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून यानी वरुण है। चलिए अब एक एक करके इन सभी प्लैनेट्स की सैर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की, जो सभी ग्रहों में सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। मरकरी सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है और ये कोई ऐसे वैसे मामूली गड्ढे नहीं है, बल्कि उल्कापिंड और धूमकेतु के गिरने से बने हैं। ये गड्ढे आकार में कई कई किलोमीटर तक लंबे और चौड़े गहरे भी हैं। मरकरी पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास करीब 1500 किलोमीटर है। कोई वायुमंडल ना होने की वजह से यहाँ दिन में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात के समय -180 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। इसलिए इस ग्रह पर इंसानों का ठहरना बिल्कुल नामुमकिन है। आकार में ये ग्रह हमारे पृथ्वी का 40% ही है। और इतना ही नहीं, हर एक बीतते दिन के साथ ये श्रिंक होकर और भी छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले करीब 4 बिलियन सालों में ये ग्रह 14 किलोमीटर घट चुका है और इसके घटने की वजह है रात को पड़ने वाली सर्दी। हैरानी की बात यह है कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होते हुए भी ये सौर मंडल का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरफ, जो सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस हमारे सौर मंडल के उन दो अनोखे ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बनी कई कई किलोमीटर मोटी परतों से ढका रहता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनता है और सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है। वीनस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं और इसकी सतह भी बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी से निकले लावा से मिलकर बनी है। यहाँ का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चलना हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हों। यही वजह है कि इस ग्रह पर भेजा गया कोई भी मिशन या स्पेस क्राफ्ट ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता। साथियों, वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी की, जो सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि हम अपनी पृथ्वी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए चलिए इसकी बात हम नहीं करते। तो पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल यानी मार्स की। इस प्लेनेट की सतह और मिट्टी लाल रंग की है और स्पेस से देखने पर यह लाल रंग की गेंद के जैसा नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम इंसानों को जीवन के पनपने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहाँ की जमीन में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और यही इसकी धूल और मिट्टी में भी पाया जाता है। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है,
जिसके चलते इसकी सतह पर पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी और तूफान आना आम बात है। सूर्य से करीब 228 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। यहाँ की सतह हमारे पृथ्वी के चट्टानी और रेगिस्तानी इलाकों से काफी मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद एक समय मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। दोस्तों, मंगल के बाद अब नंबर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह का, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर एक गैस जायंट है, जिसका मतलब है कि यह कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है और यह ग्रह सिर्फ गैस है और उसमें मौजूद तरल से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया और मेथेन भी शामिल है। करीब से जुपिटर बेहद खूबसूरत और रंगीन दिखने वाला बादलों जैसा नजर आता है, लेकिन आप इनकी सुंदरता पर मत जाइएगा, क्योंकि इन बादलों में आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, जिसे हम सैटर्न और शनि के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह का ख्याल मन में आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान इसकी बड़ी बड़ी रिंग्स पर जाता है। आपको बता दें कि ये छल्ले बर्फ के छोटे छोटे कणों और चट्टान के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। जुपिटर की तरह ही शनि भी एक गैस जायंट है, यानी इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है और इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीथेन व पानी के बर्फ जैसे अन्य पदार्थों के अंश से मिलकर बना है। जुपिटर के बाद शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसका व्यास 10 गुना ज्यादा है। शनि के बहुत सारे चंद्रमा हैं। अब तक इसके 80 से ज्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है। कैसिनी नाम के एक अंतरिक्ष यान ने शनि और इसके चंद्रमा का अध्ययन करने में 13 साल से ज्यादा का समय बिताया है। यही वो मिशन है जिसने शनि और इसके छल्ले से जुड़े रहस्यों को पहली बार उजागर किया था। हमारे सौर मंडल में सैटर्न के बाद बारी आती है यूरेनस ग्रह की, जिसे हम अरुण कहकर बुलाते हैं। वीनस के बाद यूरेनस ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसके चलते इसे आइस जायंट भी कहा जाता है। इस ग्रह का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यूरेनस का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम से मिलकर बना है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में मीथेन, पानी और अमोनिया के अंश भी मौजूद हैं। यूरेनस का आकार हमारे पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। शनि की तरह यूरेनस का भी अपना एक रिंग सिस्टम है, हालांकि ये शनि के जितना प्रसिद्ध नहीं है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इन छल्लों की खोज पहली बार 1977 में की गई थी और फिर बाद में साल 1986 के दौरान वॉयजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई। तो चलिए, इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल के 8वें यानी आखिरी ग्रह नेपच्यून, जिसे वरुण कहा जाता है, इसके बारे में। यूरेनस की तरह नेपच्यून का भी अपना एक रिंग सिस्टम है और अब तक इसकी 5 रिंग्स को खोजा जा चुका है। व्यास की दृष्टि से देखें तो यह हमारे सोलर सिस्टम का 4था सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ी बहुत मेथीन गैस से मिलकर बना है। आकार की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है और ये भी एक आइस जायंट है। इसकी वजह यह है कि इसका एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जैसा कि हमने बताया, ये हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह है, जिसके चलते सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। साथ ही हमारी पृथ्वी से भी ये 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि वॉयजर 2 एकमात्र ऐसा मिशन है जो आज तक इस ग्रह पर भेजा गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही कमाल के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।